आज दिन में मम्मी का एक छोटू सा एक्सीडेंट हो गया स्कूटी के साथ। फिर बोलने लगी आपकी चोट पे जितना भी खर्चा आएगा मैं देती हूँ, गाड़ी पे भी चोट वोट लगी तो उसके मैं देती हूँ। मैंने कहा छोड़ो भाई नहीं चाहिए, किसी मेडिकल में पढ़ रहे हैं तो किसी का भला कर ले बस। तो भाई अभी अंशु साक्षी रेडी हो चुके हैं स्कूल जाने के लिए और अभी सिर्फ बज रहे हैं 7। आज इसलिए इतने जल्दी जा रहे हैं क्योंकि अंशु ने स्पोर्ट्स में अभी हिस्सा लिया है नया नया। अभी फेल हुए कि भाई सब 2 ही दिन की बात है, तीसरे दिन हम आज मजे से जाएंगे। ये रेस में अभी अभी बाहर हो चुकी है, अब ये क्रिकेट में गई जिद करी, मैं कह रही नहीं होगा करी करोगी करोगी, तो 2 दिन की परेशानी है, तीसरे दिन ये खुद ही बोलेगी मैं नहीं जाऊंगी। जब इन बच्चों ने मुझे आश्रम बना दिया यार, वो वाला नहीं कभी सत्संग वाला आश्रम नहीं भाई, हमारे घर वाले में ना आश्रम बोलते हैं उसको जोकर को। ये है मम्मी का चोर बाजार का जैकेट, शांत हो जा, 2000 का जैकेट है वो। अच्छा अच्छा तेरा बाप लाए थे नहीं तो किसी का कोई मुझे मारेगा रे आज, कभी आश्रम बाप को रही हूं। देखो कितनी सुबह सुबह ये ले जा रही है मम्मी को। बाय। अरे नहीं। तो भाई अभी मम्मी है मेरे लिए कॉफ़ी बना के लेकर आई हैं, तो चाय तो वैसे मैं ज़्यादा पीता नहीं है और आज मम्मी कॉफ़ी बना के लेकर आई हैं तो आज कॉफ़ी पियेंगे भाई। मम्मी कॉफ़ी मस्त हो रही है। बढ़िया। तो भाई वीडियो अपलोड हो चुकी है। तो भाई अभी बज रहे हैं 10 और मैं नहा चुका हूँ और मस्त पूजा भी कर ली मैंने, मम्मी ने बोला तो कर ली। अभी भी घर का काम नहीं हुआ है, अभी मम्मी काम कर रही, पोछा लगा रही हैं। मम्मी नाश्ता कब करेंगे? मम्मी बोली पोछ लगा के 2 मग्गे पानी डाल के आ रही हूँ। तो हम भी इंतज़ार करते हैं थोड़ा और तब तक हम पढ़ लेते हैं भाई थोड़ा बहुत, क्योंकि आज पेपर है भाई, आज से 3 दिन लगातार पेपर हैं। तो अभी मम्मी नहा गई हैं तो अब जाके हम नाश्ता करेंगे। इतने सारे नमकीन खाएंगे, बिस्किट भी खाएंगे। ये घर रहने से कोई फर्क नहीं होता रे, अगर वो ये साक्षी रहते ना मेरे को बहुत आराम मिलता है। अरे थोड़ी ना होता, लड़के लड़के कितना काम करते हैं, लड़के का अपना काम नहीं करोगे रे, कहीं जाओगे तो कितना घर का अंदर नौकरी थोड़ी नहीं मिलेगी तुम्हें। तो भाई अभी 12 बजने वाले हैं और अपना कॉलेज जाने का टाइम भी होने वाला है, तो जब तक मम्मी मैगी बनाती है तब तक हम धीरे धीरे तैयार हो जाते हैं। तो भाई मैं रेडी हो चुका हूँ और भाई अब जाके हम कुछ खा रहे हैं और भाई मम्मी ने मैगी बनाई है तो अभी मैगी खा रहे हैं, नमकीन बिस्किट भी रखे हैं और मम्मी अभी जाके थोड़ा ब्लॉग देखेंगे अपना। तो भाई अब हम चलते हैं कॉलेज के लिए, तो अब टाइम भी हो चुका है तो चलते हैं। बाय मम्मी। हम पेपर दे के घर आ चुके हैं, बस 5-10 मिनट में घर पर पहुँच जाएंगे और बस 2 दिन और पेपर है यार, वो थोड़े टफ से पेपर हैं लेकिन हो जाएगा। और गाइस अभी बज रहे हैं 3:30 और घर चलते हैं, देखते हैं कौन जग रहा है कौन उठ रहा है, तो चलते हैं सीधा। कौन जग रहा है? मम्मी मैं आ गया। अंशु कहाँ है? वो सो रखी है। उसको शायद से उसका मूड ऑफ है ना, एक कहानी बतानी है आज, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है ना, उसकी वजह से इसका मूड ऑफ है। गाइस मैं कॉलेज से आ चुका हूँ तो अभी मम्मी बोल रही है कि चलना है कहीं पे, पैन कार्ड बनवाने जाना, सीधी सीधी से बोल देता हूँ है ना, पैन कार्ड बनवाने जा रहे हैं। हाँ भाई पैन कार्ड बनवाने चलते हैं। वही ये रहा अपना जन सेवा केंद्र, तो अब यहाँ पे जाएंगे अंदर। तो भाई अभी तो हमारा फिर से कट गया है, तो हमारे पास प्रूफ नहीं था ना, तो अभी अब प्रूफ लेने जा रहे हैं तभी नेम चेंज होएगा। तो भाई अपने आधार कार्ड का प्रूफ तो मिला नहीं, तो हमने सोचा चलो जाने दो उसे बाद में देख लेंगे, लेकिन मैं आज आपको आज दिन की स्टोरी बताता हूँ। आज दिन में मम्मी का एक छोटू सा एक्सीडेंट हो गया स्कूटी के साथ। तो क्या हुआ कि यार एक मेडिकल साइंस की लड़की स्कूटी पर जा रही थी तो उसके जेब से फ़ोन गिर गया, तो वो मम्मी के आसपास जब मम्मी ने ब्रेक लगाया तो मम्मी के आसपास गिरा होगा, तो मम्मी ने सोचा चलो फ़ोन दे देते उसे उठा के। तो मम्मी उस स्कूटी से ऐसे थोड़ा ऐसे होते हैं ना, ऐसे ऐसे नीचे होके ऐसे फ़ोन उठाने की कोशिश करते हैं, तो वो कोशिश कर रही थी और
अचानक से यार दूसरे हाथ से एक्सीलेटर दब गया, तो आपको पता है जब एक्सीलेटर घूमेगा तो स्कूटी आगे की तरफ जाएगी और उससे बैलेंस खराब हो गया, तो यार मम्मी गिर गई और थोड़ी सी पैर पे मोच आई है। और बाकी की स्टोरी अब मम्मी से ही पूछ लेते हैं कि क्या हुआ था उस टाइम पे और मम्मी ने फिर क्या किया। वो लड़की का फोन मेरे पास आ गया, फिर मैं स्कूल गई, स्कूल से आई तो रास्ते में शायद उसके पॉप का फोन भी आया था, एक मिस कॉल था पॉप का। फिर उसके बाद उसका भाई का फोन आया, मैं सोच भी रही थी जरूर ना जरूर किसी का कॉल आएगा, तो मैंने उठा लिया। बोला आंटी कहाँ से बोल रहे? मैं कहा सावरी से बेटा। बोला आंटी मुझे मेरी बहन का फ़ोन था, आंटी प्लीज़ कहाँ पे हो कैसे हो? मन का रुक जा गौर सिटी में आ रही हूँ। फिर वो वापस स्कूटी लेके टूटी स्कूटी टंगड़ी लेके उसका फ़ोन दे के आ गए। फिर वो पता चला कि वो लड़की मेडिकल स्टूडेंट है, वो पैर छूने लगी, कहते आंटी इसमें मेरा सब कुछ था, फोन इतना मैटर नहीं करता था जितना मेरे कागज मैटर करते थे। मैंने कहा चल कोई बात नहीं। फिर बोलने लगी आपकी चोट पर जितना भी खर्चा आएगा मैं देती हूँ, गाड़ी का शीशा फूट गया था गिर के गाड़ी पर भी चोट वोट लगी तो उसके मैं देती हूँ। मैंने कहा छोड़ो भाई नहीं चाहिए, किसी मेडिकल में पढ़ रहे तो किसी का भला कर ले बस। आज मम्मी बना रही है गाजर का हलवा। ये देख गाजर, इन गाजर का बनेगा आज हलवा। तो भाई अभी हम डिनर कर रहे हैं और डिनर में आज है भाई फ्राई राइस तो नहीं है लेकिन पुलाव है आज। पुलाव नहीं है, खिचड़ी बन गई। साक्षी ने बनाई। साक्षी तुम हलवा बना रही थी, वो खिचड़ी बना रही थी। आप गलत इंसान को थोप देते हो हमेशा। ए बेटा तो पैर भी टूटा हुआ आज। कल भी तुमने यही खा था, कल पूरा कढ़ाई ही भर के खा गया। तो सच है भाई। कौन क्या बना दिया तूने? कल मैंने वो रात को फ्राई राइस बनाए थे ना। अच्छा। वो मैं नहीं था, वो मेरे जैसा दिखने वाला बंदा था। तो भाई अभी हमने डिनर कर लिया है, तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ गाजर का हलवा कैसा हो रहा है। बहुत टेस्टी हो रहा है दिखने में भाई। एक नजर जरा गाजर के हलवे पर भी डालो, देखो कितना ज्यादा टेस्टी और यमी लग रहा है ना अंशु। ये हमारे घर में सबसे ज्यादा फेवरेट घी है, मतलब हर एक ब्रांड को छोड़ेंगे लेकिन बाबा जी का घी को नहीं छोड़ेंगे कभी। इस प्रसाद को छोड़ दिया। तो भाई अभी हम गाजर का हलवा खा रहे हैं बढ़िया वाला, देखो कितना बढ़िया लग रहा है। तो भाई अभी हमने गाजर का हलवा खा लिया है, तो यार बहुत ज्यादा टेस्टी लग रहा है। तो भाई अभी बज रहे हैं 9 और अब हमारा सोने का टाइम हो गया। हम 9, 9:30, 10 बजे के आसपास सो जाते हैं, यही हमारा सोने का टाइम होता है। और अभी ये थोड़ी देर एक आध घंटा पढ़ेंगे अंशु और साक्षी और फिर हम सो जाएंगे। और इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। आई होप कैसे वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो आपको पसंद आया तो यार वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना। मिलते हैं आने वाले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।